एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल दो हजार एक सौ इकतीस टू दो हजार एक सौ चालीस हालांकि अदिति यह के लिए जल्दी वापस जाना चाहती थी 12 महलों के बीच कोई रूम कुल देवता होंगे या नहीं कियाओं और अन्य के शव पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी कम से कम एक या दो महीने का समय था और अगर जून वु याओ और अदिति चले गए तो क्याओं चू और साथियों के लिए स्पिरिट वर्ग छोड़ना बहुत कठिन होगा यह जून वु याओ ही थे जो इसका समाधान लेकर आए उन्होंने पहले अस्थायी रूप से स्पिरिट वर्ल्ड को छोड़ दिया और रून कुल देवताओं की खोज का काम ये मई और अन्य को सौंप दिया और उस अवधि के दौरान अदिति और उसके साथियों ने समय का उपयोग अपनी साधना जारी रखने अपनी आत्मा की शक्ति को यथासंभव बढ़ाने के लिए किया क्योंकि केवल अपनी आत्माओं को मजबूत करके ही वे खुद को और अधिक अजय बनाने में सक्षम होंगे स्पिरिट लॉर्ड की आत्मा कमजोर हो रही थी लेकिन अदिति स्पिरिट रीएन्फोर्समेंट रूल्स का उपयोग करने में सक्षम थी ताकि स्पिरिट लॉर्ड अपनी आत्मा की शक्ति को जल्द से जल्द विकसित कर सके और उसने स्पिरिट लॉर्ड के साथ विधि को पूरी तरह से साझा किया इससे आत्मा भगवान को ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें सबसे बड़ा खजाना दिया गया हो और उन्होंने तुरंत अदिति और उसके साथियों को उनकी खेती के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करने का वादा किया देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और अदिति और उसके साथियों की शक्तियां चरम पर पहुंच गई यहां तक कि आत्मा भगवान भी उनकी शक्तियों के वर्तमान स्तर से बहुत प्रभावित थे वह एक वर्ष लंबा और अंतहीन लग रहा था लेकिन समय बीतने के साथ यह केवल एक अनजान क्षण बन गया उनके अलग होने से पहले आख़िरी दिन स्पिरिट लॉर्ड ने अदिति और साथियों के लिए दावत आयोजित करने के लिए पूरे स्पिरिट स्पिरिट लॉफ को बुक किया था उन्होंने नालन शान ब्राउनी फ्लेम ड्रैगन और पिछले स्पिरिट मास्टर को भी कंपनी में शामिल कर लिया था क्या तुम लोग सचमुच जाने वाले हो ब्राउनी ने एक विशेष कुर्सी पर बैठते हुए कहा क्योंकि उसका शरीर बहुत विशाल था जब उसने अदिति को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया तो आध्यात्मिक भालू बिल्कुल एक विशालकाय की तरह था लेकिन जेठ काली आंखों की उस जोड़ी के भीतर वे अलग होने के लिए गहरी अनिच्छा से भरे हुए थे एक छोटे बच्चे की तरह अत्यधिक व्यथित दिख रहे थे हालांकि ब्राउनी ने आध्यात्मिक भालू के कारण पहले ही शक्ति हासिल कर ली थी और अब वह मानव भाषण में सक्षम था उसके दिल की गहराई में वह अभी भी अदिति और उसके साथियों के प्रति बेहद स्नेह महसूस करता था जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी आध्यात्मिक भालू के रूप में अपनी उम्र से बोलते हुए ब्राउनी अभी भी एक बहुत ही युवा आध्यात्मिक अस्तित्व था एक पूर्णता परिपक्व आध्यात्मिक भालू का आकार यांग भालू से एक गुना बड़ा होगा यह चीता और अन्य की मौतें हो सकती हैं जो ब्राउनी के दिल को अत्यधिक पश्चाताप और असह महसूस करा रही थी इस तथ्य के बावजूद कि आत्मा की दुनिया में शांति लौट आई थी उसके दिल की बेचैनी दूर नहीं हुई थी अदिति ने अपना हाथ ऊपर उठाया और ब्राउनी के सिर को रगड़ा उसके हाथ के नीचे की रोइंदार बनावट से उसकी आंखें सिकुड़ गई क्या तुम नहीं जा सकते रावणी ने अदिति को अत्यधिक दयनीय दृष्टि से देखते हुए पूछा ब्राउनी के बगल में नालन शान मदद नहीं कर सके लेकिन उन्होंने आ भरी युवा महिला अदिति के प्रति वह जितना अधिक समय से उसे जानता था वह उससे उतना ही अधिक आश्चर्यचकित था यदि वह स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं आती तो वो जीव की कपटपूर्ण योजना एक दिन सफल हो गई होती यह ऐसा था जैसे अदिति एक उपहार की तरह थी जिसे स्वर्ग ने विशेष रूप से स्पिरिट वर्ल्ड को दिया था मैं भविष्य में भी यहां वापस आऊंगा अदिति की आंखें कोमल और कोमल हो गई फिर उसने अपनी आंखें उठाई और जून वो याओ की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगी जून वो याओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया जैसे वह उसकी अपेक्षित नजर से सहमत हो रहा हो वास्तव में तो फिर आप लोग दोबारा कब आएंगे ब्राउनी ने पूछा उसकी आंखें चमक रही थी ब्राउनी की मनमोहक आंखों के नीचे अदिति खुद को असहाय महसूस कर रही थी वे स्पिरिट वर्ल्ड में कब वापस आएंगे वह निश्चित नहीं थी यदि यह संभव होता तो वह स्वाभाविक रूप से चाहती कि ऊपरी क्षेत्र के बलिदान सर्णी को नष्ट करने के बाद ऐसा हो क्योंकि केवल उस समय ही उसके पास पुराने स्थानों को फिर से देखने का अवकाश होगा लेकिन ब्राउनी की अत्यधिक प्रत्याशा से भरी उत्सुक आंखों को देखकर वह यह सब जोर से कहने को सहन नहीं कर सकी बगल में खड़े क्यांग चू ने अदिति की दुविधा को देखा और वह तुरंत मुस्कुराने लगा और उसने यिन यांग भालू को धीरे से धक्का देने के लिए अपना पैर उठाया जो खुशी से उसके बगल में बैठा हुआ बांस चबा रहा था लात मारे जाने के कारण रोली के चेहरे पर हैरानी के भाव थे क्योंकि उसका मनमोहक चेहरा कियाओचू की और हैरान होकर देखने लगा ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही मालिक से पूछ रहा हो कि वह उसके भोजन में बाधा क्यों डाल रहा है क्याओचू ने अपनी आंखों से ब्राउनी की ओर इशारा किया उसके होंठ सिकुड़ गए और बिना शब्द बोले इशारा किया रोली ने ब्राउनी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और फिर अदिति की ओर देखा जिसका चेहरा किसी प्रकार की दुविधा में था अंत में उसके पंजे में आधे खाए हुए बांस को देखने से पहले अंत में रोली ने अपने पंजों में पकड़े बांस को छोड़ दिया और लंगड़ाते हुए ब्राउनी की ओर रेंगने लगी गर्जन दहाड़ एक बड़े भालू के हमले के साथ रोली ने ब्राउनी को जो एक आकार में छोटा था जमीन पर धकेल दिया और दो भालू की आत्माएं एक गहरा सोना और दूसरा काला और सफेद एक साथ एक गेंद में लुढ़क गई और रोली ने ब्राउनी की गर्दन के चारों ओर अपने पंजे प्यार से पकड़ लिए स्नेह के अचानक और अप्रत्याशित प्रदर्शन ने ब्राउनी को चौंका दिया रोली के आलिंगन से जुनून महसूस करते हुए अदिति का जवाब सुनने की उत्सुकता जल्द ही कम हो गई बीस स्पिरिट्स के लिए आध्यात्मिक भालू का महत्व स्वाभाविक रूप से स्वयं स्पष्ट था चूंकि क्याओचू और अन्य लोग स्पिरिट वर्ल्ड छोड़ने जा रहे थे रोली डबल हेडेड बोन स्नेक और अन्य को स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करना होगा इसलिए रोली जो स्नेह दिखा रही थी उसके प्रति ब्राउनी को कोई संदेह नहीं था यह ज्ञात नहीं था हालांकि वह सब नालन शान और आत्मा भगवान की आंखों से स्पष्ट रूप से देखा गया था उन्होंने अदिति की आंखों में पहले से ही झिझक को नोटिस कर लिया था हालांकि उनके साथ जून वो याओ भी था जो उन्हें स्वतंत्र रूप से आत्मा की दुनिया के अंदर और बाहर लाने में सक्षम था लेकिन वे आखिरकार आत्माएं नहीं थी जो आत्मा की दुनिया में रहती थी वे अभी भी बहुत जीवित थे जीवित प्राणी जो नश्वर क्षेत्र में मौजूद थे उनके साथी सिर्फ यही स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं थे बल्कि स्पिरिट वर्ल्ड के बाहर परिवार और दोस्त भी थे ऐसे रिश्ते जिन्हें वे ऐसे ही नहीं तोड़ सकते थे स्पिरिट लॉर्ड को स्पष्ट रूप से पता था कि अदिति के स्पिरिट वर्ल्ड छोड़ने के बाद वह निश्चित रूप से ऊपरी क्षेत्र के बलिदान क्षेत्र की जांच करेगी और किसी को यह जानने के लिए सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि वह किस तरह के खतरे में होगी आने में सक्षम होने का तो जिक्र ही नहीं अक्सर आत्मा की दुनिया में वापस आने पर बस खुद को सुरक्षित रखने की चाहत पहले से ही अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रही होती है और इस वजह से बाकी सभी लोग केवल देखते रहे और रोली ने ब्राउनी का ध्यान भटका दिया और ब्राउनी की हरकतों को उजागर करने के लिए एक भी शब्द नहीं कहा मैंने पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको ठीक से धन्यवाद नहीं दिया है यदि आप नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं पहले ही गायब हो गया होता नानंद शान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा और ब्राउनी से अपनी नजरें हटा ली और अदिति की ओर देखने के लिए उसके सामने शराब का गिलास उठाया उस दिन वो ज्यू ने उसे इतना गंभीर रूप से घायल कर दिया था कि उसने खुद भी सोच लिया था कि इस बार वह निसन्देह मर जाएगा उसने नहीं सोचा था कि वह एक और दिन देखने के लिए जागेगा जब तक कि उसने खुद को अंधेरे के भीतर छिपा हुआ नहीं पाया और उसके हाथ को उसके चारों ओर जमीन में खुदी हुई आत्मा सुदृढ़ीकरण की दौड़ महसूस हुई तभी उसे स्पष्ट रूप से पता चला कि वह वास्तव में अभी भी जीवित है उसके बाद की हर चीज ने नलन शान को एहसास कराया कि वह अभी भी जीवित रहने में सक्षम है यह सब अदिति के कारण है अदिति ने अपनी धीरे धीरे बिखरती हुई आत्मा को स्थिर करने के लिए स्पिरिट रियनफोर्समेंट का उपयोग किया था और नकली स्पिरिट लॉर्ड के पहुंचने से ठीक पहले उन अंतिम क्षणों का उपयोग स्पिरिट रीएन्फोर्समेंट रन को अंकित करने के लिए किया था जो उसके चारों ओर छिपी हुई आत्मा की आभा को दर्शाता था अन्यथा जिस स्थिति में वह था यह बताने की जरूरत नहीं कि वो जीव जो उससे बेहद नफरत करता था उसने तुरंत उसकी जान ले ली होती भले ही उसे कालकोठरी में फेंक दिया जाता और उसके हाल पर छोड़ दिया जाता यह भी नहीं होता एक घंटे पहले वह दम तोड़ देगा और अपनी चोटों से मर जाएगा पुनर्जीवित होने की किसी भी संभावना के बिना उसके लिए अदिति वह परोपकारी थी जिसने उसकी जान बचाई और यह कृतज्ञता का ऋण था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा दुर्भाग्य से उसके पास जिस स्तर की शक्तियां थी वह अदिति की अधिक मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं थी अदिति ने अपने सामने साफ चाय का कप उठाया और उसे एक ही घूंट में खत्म करने से पहले नालन शान के उठे हुए कप पर हल्के से थप पाया स्पिरिट वर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ उनमें से कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे लेकिन इसकी परवाह किए बिना वह इसे कभी नहीं भूलेगी एक गीत और एक कप शराब के साथ यह रात आत्मा की दुनिया में उनके मनोरंजन का अंतिम समय था स्पिरिट लॉर्ड ने जादुई तरीके से सर्वोत्तम वाइन और सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति से कोई खर्च नहीं उठाया हेल बटरफ्लाई मचान के भीतर नृत्य करते हुए इधर उधर फड़फड़ा रही थी डबल हेडेड बोन स्नेक अपने फुर्तीले शरीर को खुशी से फर्श पर फिसला रहा था उनकी हरकतें एक साथ आकर एक सुंदर और रहस्यमय नृत्य बना रही थी जैसे ही अदिति ने गीत और नृत्य को बढ़ते देखा उसके दिल को शांति की तीव्र अनुभूति हुई वह जिस चीज की सबसे अधिक आशा करती थी वह यह थी कि जीवन ऐसा हो जहां इतना अधिक उतार चढ़ाव न हो सादा और सरल एक संकीर्ण धारा की तरह जो बहुत दूर तक बहती हो यही उसके लिए वास्तविक जीवन था भविष्य में हम वापस आएंगे जून वो याओ ने कहा उसका हाथ मेज के नीचे अदिति के पास था अदिति ने हल्का सा सिर हिलाया आखिरकार विदाई का दिन आ गया और उग्र कंकाल वाला घोड़ा एक बार फिर अदिति और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ गाड़ी पर कदम रखते हुए इसने स्पिरिट वर्ल्ड की उनकी यात्रा के अंत का भी संकेत दिया जैसे ही कंकाल का घोड़ा धधकती आग की लपटों को रौंदता हुआ और दूर चला गया ब्राउनी जो अपनी जगह पर खड़ा था आखिरकार अब खुद को रोक नहीं सका और उसने दोह की दहाड़ निकाली मध्य क्षेत्र में असीमित घास के मैदानों पर एक जंगली हवा चली जो ताजी हरी घास को उड़ाकर खेतों में लहरें बिखेरने लगी स्टैलियनों के लोहे के खुरों वाले खुर पूरी गति से लहराती घास के बीच से गुजरे और दो सफेद स्टैलिनों पर एक आश्चर्यजनक नर और मादा जोड़ी ने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया सुंदर सुंदर आकृतियां प्रकाश की दो सफ़ेद धारियों की तरह थी जो बिजली की दो चमक की तरह जल्दी से गायब हो गई एक वर्ष पहले बारह महल भारी आपदा की चपेट में आ गए थे सभी पैलेस लॉर्ड्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और बारह महलों का शिखर सम्मेलन जिसके बारे में उस समय बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे अब बारह महलों के पतन और क्षय का मोड़ बन गया था तब से बारह महल हर किसी की नजरों से ओझल हो गए थे और उनकी जगह अब जेड पैलेस था जिसे बारह महलों ने एक हजार वर्षों तक दबाकर रखा था जेड पैलेस एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा था जहां उन्होंने बारह महलों के सभी अवशेषों को नष्ट कर दिया था अपने दमनकारी शक्तिशाली शक्ति के तहत उन्होंने सभी बारह महलों की सेनाओं पर कब्जा कर लिया और एक ही सीमा में बारह महलों के निधन के अंतिम लाभार्थी बन गए उन्होंने बारह महलों की शेष सभी ताकत को समेकित किया और जो लोग बारह महलों से बाहर नहीं जाना चाहते थे उन्हें स्पिरिट जेड पैलेस द्वारा अंदर ले जाया गया और फिर से नियुक्त किया गया जिस संघर्ष और कला ने बारह महलों को एक हजार वर्षो तक त्रस्त किया था उसे अंत स्पिरिटेड पैलेस द्वारा समाप्त कर दिया गया बारह महलों के निधन से स्पिरिट जेड पैलेस को सफलता मिली जहाँ स्पिरिट जेड पैलेस को नौ मंदिरों के खिलाफ खड़े होने के लिए एक ज़बरदस्त ताकत बनने में केवल एक वर्ष लगा था प्रारंभ में बारह महलों और नौ मंदिरों की ताकत के बीच असमानता को इतना बड़ा नहीं माना जाता था लेकिन बारह महलों द्वारा एक दूसरे को देने से इनकार करने के कारण लगातार लड़ाई होती रही जिससे वे आंतरिक रूप से थक गए जिसके कारण वे नौ मंदिरों की गति को पकड़ने में असमर्थ हैं और अब विभाजित ताकतें एक साथ एकत्रित हो गई है भले ही वे थोड़े समय के भीतर नौ मंदिरों को पार करने में असमर्थ थे वे पिछले बारह महलों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गए थे जो वर्चस्व के लिए निरंतर संघर्ष में बंद थे स्पिरिट जेड पैलेस के उदय के संबंध में मध्य क्षेत्र में अफवाहें व्याप्त थी और उनमें बहुत मतभेद था बारह महलों के शिखर सम्मेलन से पहले कोई भी कभी नहीं सोच सकता था कि स्पिरिट जेड पैलेस जो एक कोने में छिपा हुआ था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था वह वा वास्तव में अभी भी उस दिन को देख पाएगा जब वे वापस आ सकेंगे और फिर से उठ खड़े होंगे किसी ने एक बार कहा था कि स्पिरिट जेड पैलेस का उदय केवल इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने लिए एक रहस्यमय और शक्तिशाली सहयोगी खोजने में कामयाब रहे और यह स्पिरिट जेड स्पिरढलेस का रहस्यमय सहयोगी था जिसने बारह महलों के शिखर सम्मेलन के दौरान सभी को अभिभूत करने के लिए दमनकारी ताकत का इस्तेमाल किया था और बारह महलों को सीधे नर्क में भेज दिया था तब से बारह महल शब्द को इतिहास की किताबों से तुरंत बाहर कर दिया गया स्पिरिट जेड पैलेस की सत्ता में वापसी बारह महलों का इतिहास अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया वे शक्तियां जो पहले बारह महलों को स्पिरिट जेड पैलेस के चरणों में समर्पित थी एक पल में स्पिरिट जेड पैलेस अचानक मध्य क्षेत्र की शक्तियों के बीच एक गर्म और ज्वलंत ताकत बन गया था इतना कहने के बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया था और वह शक्तिशाली और रहस्यमी सेना कहां से आई थी बारह महलों के नष्ट हो जाने के बाद वे बिना किसी निशान के गायब क्यों हो गए ये तमाम शंकाएं और सवाल सभी के मन में रहे लेकिन इनका जवाब कोई नहीं जानता था हवा उस स्थान से होकर गुजरी जो कभी मूल रूप से फ्लेम ड्रैगन्स पैलेस था एक समय का पवित्र और शानदार महल पूरी तरह से समतल हो गया था और एक नई स्टाइलिश सुरुचिपूर्ण इमारत अब अपने मूल स्थान पर खड़ी थी यह क्षेत्र के लिए स्पिरिट जेड पैलेस की शाखा थी हालांकि स्पिरिट जेड पैलेस ने 12 महलों की सभी सेनाओं को एकजुट किया लेकिन इसने 12 महलों की तरह काम नहीं किया जिससे उनकी अधीनस्थ शक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मजबूर होना पड़ा यहां तक कि उन्होंने वह जमीन भी वापस कर दी जहां लोग रहते थे नागरिकों को वह लाभ वापस दे दिया जो बारह महलों ने एक बार जब्त कर लिया था तुरंत सभी बारह महलों के क्षेत्रों के लोग स्पिरिट जेड पैलेस के प्रति बहुत आभारी महसूस कर रहे थे क्योंकि जब वे बारह महलों के उत्पीड़न के तहत रह रहे थे तो वे सभी मुश्किल से अपनी जीविका भी चला पाते थे इतने लंबे वर्षों तक बारह महल अंधेरे सम्राट की कब्र का पता लगाने के संघर्ष में लगातार बंद रहे थे उस पूरी अवधि में जनशक्ति और भौतिक संसाधनों की मात्रा की कल्पना करना कठिन था इस तरह के अभियान के लिए आवश्यक धन आम नागरिकों और उनकी विभिन्न जागीरदार शक्तियों से निचोड़ा गया था स्पिरिट जेड पैलेस ने बारह महलों की स्थिति संभालने के साथ उत्पीड़ित लोगों को अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए बड़ी राहत का आनंद लेने की अनुमति दी उस पल में स्पिरिट जेड पैलेस के शासनकाल को न केवल किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा बल्कि उन्हें काफी समर्थन भी मिला जहां कुछ नागरिकों ने स्पिरिट जेड पैलेस को 12 महलों के बचे हुए अवशेषों पर कब्जा करने में मदद करने की पहल भी की थी जिस शहर में कभी फ्लेम ड्रैगन्स पैलेस था वहां के सभी नागरिक स्पिरिट जेड पैलेस के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भरे हुए थे मिस जू एयर आप आ गई ये कुछ फल हैं जिन्हें हमने अभी इसी वर्ष काटा है क्या तुम कुछ वापस लाओगे जब शहर के नागरिकों ने स्पिरिट जेड पैलेस की एक युवा महिला को देखा तो वे तुरंत उसके चारों ओर भीड़ लगाने लगे उनमें से हर कोई अपने हाथों में ताज़ा उपज लिए हुए था और उत्सुकता से उसे उपहार के रूप में पेश कर रहा था हालांकि वे चीजें बहुत अधिक पैसे के लायक नहीं थी लेकिन वे उपहार थे जो उनके दिलों में कृतज्ञता का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करते थे जू एर नाम की वह युवती केवल 18 या 19 वर्ष की लग रही थी और उसका गुलाबी छोटा चेहरा उस समय पूरी बेबसी से भरा हुआ था यह सिर्फ वह नहीं थी जब तक महल से उनकी कोई भी बहन यात्रा पर बाहर आती उन सभी का नागरिकों द्वारा ऐसा ही भावपूर्ण स्वागत किया जाता इस तरह के आतिथ्य ने उन युवा महिलाओं को तुरंत परेशान और असहाय बना दिया जिनका पहले बाहरी दुनिया के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था एक हज़ार वर्षों तक बारह महलों द्वारा सताए जाने के बाद स्पिरिट जेड पैलेस के कितने शिष्यों ने यहां दुनिया में रहस्यमय तरीके से अपनी जान गंवाई थी वे कैसे कल्पना कर सकते थे कि वे एक ऐसा दिन देखेंगे जब वे वास्तव में माउंट फूयाओ के भीतर उस धुंधली गुफा से बाहर आ सकेंगे उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वे किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह बन पाएंगे सूरज की किरणों के नीचे आराम से खड़े हो पाएंगे दुनिया भर के लोगों के साथ बातचीत कर पाएंगे ऐसे जुनून की ओर स्पिरिट जेड पैलेस के शिष्य घबराहट से कृतज्ञता की भावना तक चले गए वे लोग वास्तव में आभारी थे वे अंतः एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र रूप से और संतुष्ट होकर रहने में सक्षम हुए भावुक नागरिकों के सामने जू एयर ने विनम्रतापूर्वक उनकी सभी पेशकशों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसने उनसे भागने की कोशिश की थी स्पिरिट जेड पैलेस द्वारा बारह महलों की सभी सेनाओं को समाहित करने के बाद उन्होंने जो पहला काम किया वह स्वयं स्पिरिट जेड पैलेस के लिए एक महल का निर्माण करना नहीं था बल्कि अपने सभी मौजूदा शिशों को एक साथ इकट्ठा करना था ताकि उन्हें ऐसा न करने का आदेश दिया जा सके नागरिकों को धमकाने या उन पर अत्याचार करने के लिए स्पिरिट जेड पैलेस की ताक़त का उपयोग करें और उन्हें नागरिकों से लापरवाही से उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी या उन्हें तुरंत स्पिरिट जेड पैलेस से बाहर निकाल दिया जाएगा और कभी वापस नहीं लौटेंगे स्पिरिट जेड पैलेस लॉर्ड की इस चेतावनी को सभी महिलाओं ने अपने दिल की गहराइयों में याद किया वे सरल और ईमानदार चरित्र की महिलाएं थीं और माउंट फू याओ से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलने में सक्षम होना पहले से ही उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था और उन्हें और अधिक मांगने की जरूरत नहीं थी अंतः बहुत कठिनाई के बाद शहर से बाहर निकलते हुए जू ने राहत की सांस ली और अपना सिर उठाया शहर के द्वार के सामने एक ढलान के शीर्ष पर पतली आकृति को देखने के लिए वह आकृति छोटी और पतली थी थोड़ी गंभीर लग रही थी हवा ने उसके बालों को उड़ा दिया जब वह तेज हवा का सामना कर रही थी तो उसके काले बाल उसके पीछे स्वतंत्र रूप से लहरा रहे थे जहां वह ऐसी लग रही थी जैसे वह बाकी दुनिया से अलग खड़ी हो जू ने अकेली आकृति को देखा और उसकी आंखों में उदासी और बेबसी की झलक चमक उठी लेकिन बहुत जल्दी उसने अपनी आंखों को पीछे धकेल दिया और अपने चेहरे पर एक शानदार मुस्कान ला दी और खुद उस आकृति की ओर चल पड़ी आकृति अपनी जगह पर खड़ी रही एक इंच भी हिली नहीं जू एयर आकृति के पास चली गई और उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई अपने चेहरे पर उन्होंने गहरे कांस्य का मुखौटा पहना हुआ था नकाब ने उसके पूरे चेहरे को ढक दिया केवल शांत लेकिन थोड़ी उम्मीद भरी आंखों की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी वरिष्ठ जीवन अब सचमुच बहुत अच्छा है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी ऐसे जी सकेंगे पिछला एक साल मेरे जीवन का सबसे सुखद समय रहा है जू एयर ने कहा जब उसने दूसरी लड़की की नजरों का पीछा किया जो बहुत दूर दिख रही थी उसका छोटा गोल चेहरा गुलाबी था बिल्कुल सेब जैसा लग रहा था नकाब वाली लड़की ने जू एयर को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया जो फूल की तरह सुंदर मुस्कुरा रही थी और उसने हल्के से अपना सिर हिलाया जू एयर ने मुस्कुराते हुए कहा वरिष्ठ क्या आप कहेंगे कि पैलेस लॉर्ड के शब्द सच हैं हमारा हिदैशी सचमुच वापस आ रहा है नकाबपोश लड़की की आंखें थोड़ी देर के लिए चमक उठीन और चमकती चमकती आंखें पश्चाताप में झुक गई लॉर्ड लॉर्ड ये मैंने से यही कहा था तो यह सच होना चाहिए नकाबपोश लड़की ने जवाब दिया कोई आश्चर्य नहीं की पैलेस लॉर्ड हमसे विभिन्न शाखाओं को ठीक से साफ करने का आग्रह कर रहे हैं ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु हमारे उपकारक को यह देखने देना चाहते हैं कि भूमि का पुनर्जन्म कैसे हुआ है जू ने हंसते हुए कहा पूरे स्पिरिट जेड पैलेस में तथ्य यह है कि उनमें से एक भी नागरिकों से किसी भी चीज की लालच नहीं करेगा सिर्फ इसलिए नहीं कि स्पिरिट जेड पैलेस लॉर्ड ने इसके खिलाफ सख्त आदेश जारी किए थे बल्कि यह इस तथ्य के कारण अधिक था कि वे सभी थे वे अच्छी तरह से जानते हैं कि आज उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वह वा वास्तव में कहाँ से आया है वे वे लोग नहीं थे जिन्होंने बारह महलों को नष्ट कर दिया था और ये पुरस्कार उनके आनंद के लिए नहीं होने चाहिए थे वे केवल किसी की ओर से चीज़ों का प्रबंधन कर रहे थे और हालांकि स्पिरिट जेड पैलेस लॉर्ड ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा था वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि स्पिरिट जेड पैलेस लॉर्ड जो कुछ भी कर रहे थे वह केवल इन गंदी छोड़ी गई भूमि को साफ करने और उन्हें उस व्यक्ति को वापस करने की कोशिश कर रहा था आखिरकार यह वह नहीं था जो उन्हें मिलना चाहिए था स्पिरिट जेड पैलेस ने कभी भी खुद को बारह महलों के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा था उन्होंने हमेशा जो खोजा और खोजा वह कभी भी सर्वोच्च अधिकार नहीं था बल्कि केवल स्वतंत्रता की एक सांस थी मम्म नकापोष लड़की ने धीरे से उत्तर दिया उसकी आंखें अभी भी दूर तक झांक रही थी इस बार उसकी आंखों में उदासी और थोड़ी उलझन थी वे थोड़े आशान्वित लग रहे थे लेकिन साथ ही किसी चीज से भयभीत भी थे अचानक उस रेखा पर जहां स्वर्ग और पृथ्वी जुड़ते थे क्षितिज पर दो काले धब्बे दिखाई दिए सूरज की रोशनी में वे धीरे धीरे बड़े होते गए नकापोश लड़की की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई एक पल में तीन आकृतियां अचानक उसके और जू एयर के बगल में दिखाई दी तीनों लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे और ये ये शाह ये गु और ये मेई थे तीनों व्यक्तियों की आंखें टॉर्च की तरह चमक रही थी जब वे दो काले धब्बों को धीरे धीरे बड़ा होते हुए देख रहे थे उनकी आंखों में उत्तेजना और चिंता बढ़ रही थी वे बमुश्किल पलक झपकाने के लिए ही वहां खड़े थे तभी वे अचानक सीधे दो अंधेरी आकृतियों की ओर आगे बढ़े जू एयर ने नकापोश लड़की का हाथ घबराहट से पकड़ लिया और उसी समय उत्साहित महसूस कर रही थी इससे पहले कि वह उत्सुकता से बोली सीनियर वरिष्ठ यही यही वह वा वापस आ गई नकापोश लड़की की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई और मुस्कुराहट से भर गई जू एयर अपनी आंखें चौड़ी करके देख रही थी उसने देखा कि दो आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी शानदार सफ़ेद घोड़ों पर एक निश्चल रूप से सुंदर युवा महिला और अद्वितीय सुंदर चेहरे वाला एक आदमी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था जंगली हवा ने उनके बालों को उनके पीछे उड़ा दिया ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों आकृतियां उन स्थानों के पीछे अपना निशान छोड़ रही है जहां वे गुजरे थे ये शाह और दो अन्य लोग उनका स्वागत करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़े और दो शख्सियतों से मिलने से ठीक पहले वे तीनों वर्दी में एक घुटने पर गिर गए आपके अधीनस्थ ये शाह ये मे और ये गो आपकी वापसी पर लॉर्ड जू और सबसे बड़ी मिस का स्वागत करते हैं अदिति ने लगाम वापस खींच ली और शानदार घोड़ा अपने सामने के खुरों से टकराते हुए ऊपर उठ गया और ये शाह और अन्य लोगों से लगभग पांच कदम पहले रुक गया मेह मेह, मेह ये शाह की बाहों से अचानक एक गोलाकार सफेद गेंद निकली और अपना सिर सीधे अदिति के आलिंगन में दबा दिया अदिति ने अपना सिर नीचे किया और लॉर्ड मेह मेह की ओर देखा जो बिल्कुल मनमोहक फ्लफ बॉल की तरह पागल हो रहा था और उसकी आंखें मुस्कुराहट के निशान दिखाने से खुद को रोक नहीं पा रही थी मेह, मेह। भगवान मेहमेह मेह ने एक छोटा सा खुर उठाया और अदिति के शरीर को सहलाया उसका पेट ऊपर की ओर था जिससे उसका नरम असुरक्षित पेट दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने अदिति को इतना याद करने के लिए अत्यधिक व्यथित आवाज़ें निकाली इन आवाज़ों ने लोगों के दिलों को पिघला दिया अदिति का एक साल का समय पलक झपकते ही बीत गया लेकिन लॉर्ड मेहमेह और बलिदानी रक्त खरगोश के लिए जो लालसा के अलावा कुछ नहीं से भरे हुए थे हर एक दिन एक साल जैसा लगता था अदिति के साथ रहने और उसकी ताजगी भरी खुशबू को सूंघने की आदत हो जाने के बाद अदिति के पैरों के आसपास की स्वादिष्ट हरी घास को चबाने की आदत हो गई थी पूरे एक साल तक अलग रहने के कारण इन दो मनमोहक और मूर्ख जानवरों को अदिति की याद और भी अधिक सताने लगी अदिति ने लॉर्ड मेह मेह के पेट को सहलाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और ये मैं जो एक तरफ थी बलिदान देने वाले रक्त खरगोश को उठाने के लिए खड़ी हो गई जो उत्तेजना से बुरी तरह कांप रहा था अदिति की बाहों में बली का रक्त खरगोश इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि वह अदिति की बाहों में झुकने के अलावा मजबूती से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसने अपना रोइंदा छोटा सिर अदिति की छाती से रगड़ा था छोटी काली बिल्ली अदिति के कंधों पर खड़ी होकर उन दो मूख जानवरों को घूर रही थी जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह गुस्से से परेशान हो रही थी घृणित और अभिमानी प्रतीत होने वाली उसकी लहराती हुई मुड़ी हुई पूंछ से पता चलता है कि वह कितना आनंद महसूस कर रही थी जून वु याओं ने अज्ञात मुस्कान के साथ अदिति की ओर देखा जो अज्ञानी जानवरों से घिरी हुई थी जब उसने अपना सिर नीचे कर लिया तो उसकी आंखों में सौम्यता देखी तो उसका दिल अस्वाभाविक रूप से नरम हो गया जहां उसने कामना की कि वह इस जीवन में उसके लिए चिंताओं से मुक्त हो लॉर्ड जुए ये शाह ने जून वु याओं से सम्मानपूर्वक कहा जून वु याओं ने थोड़ा सिर हिलाया सब कुछ तैयार हो चुका है क्या लॉर्ड जू और एल्डिस्ट मिस पहले थोड़ा आराम करेंगे ये मी ने कहा लॉर्ड मेई मई और बलिदानी रक्त खरगोश इतने उत्साहित थे कि वे खुद को शांत नहीं कर सके दो मनमोहक जानवरों को अपनी बाहों में लेकर बेहद दरपोक और प्यारे अभिनय के साथ अदिति अपने घोड़े की सवारी करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी इसलिए जून वो याओ ने अदिति को ऊपर उठाया और उसे अपने सामने काठी के बगल में बैठने दिया इससे पहले कि वह उसके साथ आगे बढ़े फिर ये शाह ने अदिति के घोड़े का नेतृत्व करने की पहल की और ये मेई और ये गु के साथ उसका पीछा किया घोड़े को शहर के फाटकों के सामने जाने के लिए आग्रह करते हुए जू एयर और ढलान पर खड़ी नकापोश लड़की तुरंत दौड़ते हुए नीचे आए और जून वो याओ और अदिति को ले जा रहे घोड़े के सामने सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिए आत्मा जेड़ पैलेस के शिष्य पैलेस लॉर्ड के आदेश के तहत आपका स्वागत करने आए हैं जू एर की आवाज़ तेज और स्पष्ट थी जबकि नकापोश लड़की चुपचाप उसके पास घुटनों के बल बैठी थी उसका सिर शांति से नीचे झुका हुआ था अदिति ने जून वु याओ पर नजर डाली यह जानते हुए कि उनकी वापसी की खबर जून वु याओ ने किसी विशेष विधि के माध्यम से ये मई और अन्य लोगों को पहले ही भेज दी होगी और खबर का वह टुकड़ा स्पिरिट जेड तक पहुंचने के लिए प्रसारित किया गया था महल भगवान के कान महल के स्वामी ने आप दोनों के आराम करने के लिए पहले से ही स्थान तैयार कर दिया है तो क्या आप दोनों क्रिया हमारे साथ आएंगे जू ए ने विनम्रतापूर्वक कहा अदिति ने हल्के से सिर हिलाया धन्यवाद जू एयर को उसके प्रति दिखाए गए एहसान से तुरंत झटका लगा और उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया मिस जून स्पिरिट जेड पैलेस की महान उपकारक है और आपको इसका उल्लेख करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है हम बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए जू एयर ने पहले केवल अदिति को पुरुष के रूप में कपड़े पहने हुए देखा था और अदिति का वास्तविक रूप कभी नहीं देखा था आज यह देखकर वह इतनी चकित हो गई कि उसे लगा कि वह किसी दिव्य प्राणी को देख रही है वह नहीं जानती थी कि इस दुनिया में इतनी खूबसूरत दिखने वाली युवती भी है उसकी आंखें और भौहें स्वर्ग की सबसे उत्तम रचना की तरह थी जहां थोड़ी सी भी खामी नजर नहीं आती थी भले ही वह एक लड़की थी उसके चेहरे के नीचे यह आशंका थी कि वह उसी तरह मंत्रमुग्ध और मोहित हो जाएगी अदिति थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी जू एय के शब्दों में कृतज्ञता और ईमानदारी कुछ ऐसी थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी लेकिन अदिति ने कभी नहीं सोचा था कि उसे स्पिरिट जेड पैलेस से इतनी बड़ी कृतज्ञता मिलेगी उसके लिए उसने शुरुआत में जो सौदा किया था उसमें उसने केवल अपना पक्ष रखा था बारह महलों के नष्ट हो जाने के बाद स्पिरिट जेड पैलेस को शीर्ष पर खड़ा किया जाना था यह सब स्पिरिट जेड पैलेस लॉर्ड और उसके बीच किया गया वादा था इसलिए उसे नहीं लगा कि उसने ऐसा कुछ भी किया है जो स्पिरिट जेड पैलेस की ओर से इस तरह के आभार के योग्य हो हालांकि अदिति ने पूरे मामले पर इसी तरह विचार किया लेकिन स्पिरिट जेड पैलेस में हर किसी ने ऐसा नहीं सोचा था जू एर के उत्सुक आतिथ्य के सामने अदिति शहर में जाने के लिए ये मई और अन्य लोगों के नेतृत्व का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी जब तक अदिति और अन्य लोग शहर में नहीं गए जू एयर और नकाबपोश लड़की उनके पैरों पर चढ़ गए लेकिन उनके ऐसा करने के बाद भी जू एयर की आंखों में आश्चर्य कम नहीं हुआ क्योंकि उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया था जबकि उसका हाथ उसकी छाती पर था सावधानी से थोड़ा हाफ रहा था तो मिस जून वास्तव में बहुत खूबसूरत महिला है वह शब्दों से परे बहुत सुंदर है मिस जून की तुलना में मध्य क्षेत्र की सभी सुंदरियों को एक तरफ खड़ा होना होगा जू एयर अपने शब्दों में अत्यधिक ईमानदार थी अदिति को देखने के बाद मध्य क्षेत्र की सुंदरियों ने अचानक वह आकर्षण खो दिया जो उनके पास पहले था विशेष रूप से जब अदिति की छवि से तुलना की गई जो जून वो याओं के आलिंगन में चुपचाप बैठी थी तो यह एक पेंटिंग की तरह आकर्षक थी एक अद्वितीय सुंदरता एक निर्दोष चेहरे वाले व्यक्ति की बाहों में झुक रही है वह एक ऐसी छवि थी जिससे कोई भी अपनी नजरें हटाने में असमर्थ हो जाता था नकाबपोश लड़की ने अपनी आंखें झुका ली जब उसने अदिति और अन्य लोगों को देखा था तो उसने एक भी शब्द नहीं बोला था यहां तक कि उसने अदिति की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की थी लेकिन वह बस उसकी उपस्थिति को कम करने की पूरी कोशिश कर रही थी वह हमेशा इतनी परफेक्ट रही है नकाब के नीचे से कोमल आवाज सुनाई दी जिसमें लालसा और असहायता की झलक थी जू एयर असमंजस में पड़ गई जब उसने नकापोश लड़की को देखा उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन बोलने में झिझक रही थी अंत में उसने कुछ नहीं कहा बल्कि शक्तिहीन महसूस करते हुए बस आ भरती रही जब अदिति और जून वो याओ शहर में गए तो उन दोनों के चेहरे ने तुरंत शहर के नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया अत्यधिक हलचल वाली मुख्य सड़क लगभग तुरंत शांत हो गई थी क्योंकि सभी की निगाहें शानदार घोड़े पर टिकी हुई थी जो एक दूसरे के खिलाफ झुकी हुई दो आकृतियों को देख रहे थे उन दो लोगों की शक्लें लोगों की कल्पना की सीमाओं को पार कर गई थी और हर कोई बस वही कर रहा था जो वे कर रहे थे क्योंकि उनके चेहरे उस जोड़े को घूरने के लिए आश्चर्य से मुड़ गए थे यह जोड़ी स्वर्ग में बनी थी जेड पैलेस लॉर्ड ने अदिति और अन्य लोगों के लिए जो स्थान तैयार किया था वह जेड पैलेस की शाखा में था कमरे अत्यधिक विशाल सुरुचिपूर्ण ढंग से उत्तम दर्जे के और दिखावती नहीं थे हर जगह उत्तम और जटिल रूप से विस्तृत यहां तक कि मेज पर लापरवाही से रखा गया चाय का सेट भी सर्वोच्च ग्रेड सिरेमिक ग्लेस का था जिसे बेहद शानदार माना जाता था लेकिन भड़कीला नहीं स्पिरिट जेड पैलेस लॉर्ड ने एक कमरा तैयार किया है जो हर एक शाखा में बिल्कुल वैसा ही है ये मैंने कहा अदिति ने अपनी एक भौह थोड़ी ऊपर उठाई स्पिरिट जेड पैलेस लॉर्ड का व्यक्तित्व वास्तव में विलक्षण था लेकिन उन्होंने गठबंधन में काफी अच्छा भागीदार बनाया हम कियाओं चू और अन्य को क्यों नहीं देखते अदिति और जून भू याओं को कमरे में ले जाने के बाद ये शाह खुद को पूछने से नहीं रोक सका अगर उसकी याददाश्त सही रही तो क्याओं चू और अन्य लोग अदिति के साथ स्पिरिट वर्ल्ड में चले गए थे उनके शारीरिक शरीर निचले क्षेत्र में है इसलिए हमारे आध्यात्मिक दुनिया छोड़ने के बाद वे सीधे निचले क्षेत्र में वापस चले गए उन्हें अब तक अपने शरीर में वापस लौट जाना चाहिए था अदिति ने उत्तर दिया ऐसा नहीं था कि वह अपने साथियों को अपने साथ नहीं लाना चाहती थी लेकिन चूंकि उनके मांसल शरीर मध्य क्षेत्र में नहीं थे अगर वह उन्हें अपने साथ खींचकर सीधे मध्य क्षेत्र में ले आती तो क्या वह ऐसा नहीं होगा उन्हें भटती आत्माओं में हालांकि क्याओंचू और अन्य लोगों ने शुरू में सुझाव दिया था कि क्या उन्हें मध्य क्षेत्र में आकर यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वे अपनी आत्मा के रूप में यहाँ रह सकते हैं वे अंततः जून वु याओं के बयान से डर गए कि वे वापस जा रहे हैं जब आत्मा चली जाती है बहुत लंबे समय तक शरीर में रहने के कारण हो सकता है कि वे अब वापस लौटने में सक्षम न हो बेशक अदिति को गहरा संदेह था कि क्या जून वो याओ जानबूझ उन्हें डरा रहा था लेकिन यह एक तथ्य था कि आत्मा भगवान ने पहले उल्लेख किया था कि जब एक जीवित आत्मा अपने शरीर को बहुत लंबे समय के लिए छोड़ देती है भले ही इसके गंभीर परिणाम न हों। अपने शरीर में वापस लौटने में असमर्थ होने के बावजूद यह अभी भी उन पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा जिसके परिणाम स्वरूप एक आत्मा अपने मांस के शरीर के साथ पूरी तरह से जुड़ने में असमर्थ हो जाएगी जिससे विकर्षक लक्षण दिखाई देंगे ये शाह ने सिर हिलाया क्या आप में से किसी ने बारह महलों के भीतर कुछ खोजा लॉर्ड में मेह और बली रक्त खरगोश के साथ चिन्हाते हुए अदिति हाथ में महत्वपूर्ण कार्य को नहीं भूली थी जून वो याओं ये मे और अन्य लोगों को यह जांच करने का आदेश देने के लिए कुछ समय पहले आत्मा की दुनिया से बाहर आए थे कि क्या बारह महलों के भीतर कोई बली सरणी कुलदेवता थे और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कुछ भी खोजा है या नहीं इसके बारे में जिक्र करने पर ये शाह की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसकी निगाहें गंभीर हो गई यंग मिस को रिपोर्ट करते हुए लॉर्ड जू के आदेशों के संबंध में हमने स्पिरिट जेड पैलेस के साथ संयुक्त रूप से इस पर स्पष्ट रूप से गौर किया है बारह महलों में से प्रत्येक महल की अधीनस्थ शक्तियों के क्षेत्र में प्रत्येक महल की चार शाखाएं थी जिनमें से प्रत्येक में एक गुप्त भूमिगत कक्ष छिपा हुआ था उन भूमिगत कक्षों में हमें अजीब ऋण मिले ये शाह ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा जब बारह महल नष्ट हो गए थे तब स्पिरिट जेड पैलेस ने बारह महलों की सभी सेनाओं को अपने में समाहित कर लिया था हालांकि उन्होंने यह देखने के लिए जांच की थी कि क्या वे गुप्त मार्ग आदि जैसी चीज़ें हैं उन्होंने मुख्य महलों पर अधिक ध्यान दिया और शाखाओं के साथ उतने सावधान नहीं थे जब तक जून भू याओ ने वापस आकर उन्हें कार्य नहीं सौंपा तब तक उन्हें इसे ध्यान से देखना पड़ा उन्हें बारह महलों को अंदर बाहर करने में कुछ महीने लग गए और अंतता छिपे हुए भूमिगत कक्षों में ऋणों को ढूंढ निकाला जहां उन्होंने उन्हें एक एक करके नष्ट कर दिया बारह महलों में से प्रत्येक महल में उन धावों के साथ चार शाखाएं थी कुल मिलाकर अड़तालीस स्थान हमने उन्हें नष्ट करने के लिए लॉर्ड जू के आदेशों का पालन किया है रूम्स के बारे में बोलते हुए ये शाह और अन्य लोगों की आंखें तीव्र घृणा दिखाने से बच नहीं सकी इस हद तक कि वे अपनी नफ़रत को दबा रहे थे उनमें वे भावनाएं बिना किसी तुखिया कारण के उमड़ पड़ी और अदिति को कुछ भी अजीब नहीं लगा जैसा कि अपेक्षित था ऊपरी क्षेत्र एक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है अदिति ने अपनी आंखें थोड़ी झुकते हुए कहा ये शाह ने जो कहा उसके आधार पर बारह महलों के भीतर पाए गए अड़तालीस भूमिगत कक्ष बहुत पहले से अस्तित्व में थे यह स्पष्ट था कि इनका निर्माण सिर्फ पिछले सौ वर्षों के भीतर नहीं हुआ था उनमें कोई प्रवेश द्वार नहीं था और उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया था यह आशंका थी कि स्वयं बारह महल के लॉर्ड्स को भी नहीं पता था कि वे भूमिगत कक्ष वास्तव में उनकी शाखाओं के नीचे छिपे हुए थे यदि यह तथ्य नहीं होता कि ये मेई और अन्य लोगों ने इतनी अच्छी तरह से जांच की होती कि वे शाखाओं के फर्श को कहां से तोड़ते हैं तो उन्हें दो मीटर नीचे छिपे भूमिगत कक्षों की खोज नहीं होती ऐसे अच्छी तरह से छुपे हुए भूमिगत कक्षों को खोजना लगभग असंभव होता अगर उनके बारे में पहले से नहीं बताया गया होता लेकिन यह ज्ञात नहीं था कि उन रूनों को कब तराशा गया था और उनके लिए कौन जिम्मेदार था यद्यपि स्पिरिट वर्ल्ड में रून कुलदेवता पिछले 100 वर्षों के भीतर उकेरे गए थे लेकिन वो ज्यू ने लगभग एक हजार वर्षों तक खुद को पिछले स्पिरिट मास्टर के बगल में छुपाया था और यह ज्ञात नहीं था कि नकली स्पिरिट लॉर्ड कब प्रकट हुए थे आत्मा की दुनिया अदिति ने अस्पष्ट रूप से महसूस किया कि तीन लोगों को बलिदान करने की ऊपरी क्षेत्र की साजिश बहुत पहले से ही की गई होगी जिसमें 108 सौ आठ कुलदेवता पूरे मध्य क्षेत्र में फैले हुए थे अदिति और उसके लोगों ने वर्तमान में केवल आधे से भी कम संख्या को नष्ट किया था और यह ज्ञात नहीं था कि अन्य छप्पन कुलदेवता कहाँ छिपे हुए थे आपके अधीनस्थ ने पहले ही स्पिरिट जेड पैलेस लॉर्ड के साथ इस पर चर्चा की है ताकि अन्य ऋण कुलदेवताओं के अस्तित्व के लिए बारह महलों की सेनाओं के आसपास के क्षेत्रों की खोज जारी रखी जा सके अड़तालीस रून कुल देवताओं के स्थान एक सामान्य विशेषता से रहित नहीं है जिन स्थानों पर रूनों को उकेरा गया है वे सभी स्थान हैं जहां आध्यात्मिक शक्ति सबसे अधिक प्रबल है आपके अधीनस्थ को लगता है कि अन्य ऋण कुलदेवता ऐसे ही स्थानों पर हो सकते हैं और हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी जांच कराने की तैयारी की जा रही है ये शाह ने सूचना दी अदिति ने सिर हिलाया और अचानक उसे कुछ ख्याल आया ऐसे स्थान जहां आत्मा की ऊर्जा सबसे अधिक प्रबल है पूरे मध्य क्षेत्र में क्या कोई ऐसी जगह है जहां माउंट फुयाऊ से भी अधिक मज़बूत आध्यात्मिक ऊर्जा है माउंट फूयाओं अदिति और स्पिरिट जेड पैलेस दोनों के लिए विशेष अर्थ रखता है बारह महलों के नष्ट हो जाने के बाद स्पिरिट जेड पैलेस के सभी सदस्य माउंट फुयाओं की गुफा से बाहर आ गए थे और फिर कभी वापस नहीं गए लेकिन अदिति को यह कहते हुए सुनकर येशा को अचानक वह जगह याद आ गई जिसे वे सभी देखने से चूक गए थे यह सही है यदि वे मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं तो माउंट फू याओं स्वाभाविक रूप से पहला स्थान लेगा क्या आप में से कोई माउंट फू याओ गया है अरगी ने पूछा ये शाह ने अपना सिर हिलाया हमें मौका ही नहीं मिला बारह महलों के भीतर छिपे अड़तालीस रून कुलदेवताओं की खोज में ही उनका सारा समय लग चुका था वे कल ही बारह महलों के अंतिम ऋण कुलदेवता को खोजने में कामयाब रहे थे बारह महलों की शाखाओं और मुख्य महल के सभी फर्श खोदे गए थे और उन्हें केवल अड़तालीस कुलदेवता मिले थे और इससे अधिक कुछ नहीं था मैं माउंट याओ की यात्रा करना चाहता हूँ अदिति ने जून वु याओ की ओर देखते हुए कहा जरूर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जून वु याओ ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा ये शाह और अन्य लोगों ने जिन 48 स्थानों पर रून कुल देवताओं के शिलालेखों की खोज की थी उनके आधार पर यह अत्यधिक संभव था कि माउंट फुयाओं भी उसी तरह एक जगह छिपा रहा था वहां यात्रा करने से कुछ अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं स्पिरिटेड पैलेस लॉर्ड वर्तमान में बारह महलों के मूल क्षेत्रों के भीतर अन्य रून कुल देवताओं के किसी भी संकेत की खोज के लिए अपने शिष्यों को तैनात कर रहे थे और यह अभी तक ज्ञात नहीं था कि क्या कोई परिणाम होगा इस अवधि के दौरान क्या नौ मंदिरों के साथ कोई असामान्य हलचल हुई है अदिति पूछने के लिए ये मई की ओर मुड़ी गुयिंग की वजह से ट्वेल्व पैलेस के शिखर पर उसकी योजनाएं लगभग एक दुर्घटना में परिणत हो गई थी हालांकि जून वो याओ की उपस्थिति ने पूरी स्थिति को बदल दिया था यह सोचा गया था कि जिन लोगों को गुयिंग लाया था वे संभवतः नौ मंदिरों में से एक स्पिरिट वॉर्ड मंदिर के लोग थे हालांकि जून भूयाओं ने उन्हें पूरी तरह से मार डाला था लेकिन यह असंभव था कि स्पिरिट वॉर्ड पैलेस को उनकी मौतों के बारे में पता न चले ये मई ने अपना सिर हिलाया और कहा उन्होंने कोई असामान्य कदम नहीं उठाया है नौ मंदिर अब भी पहले की तरह शांत है शुरुआत में यंग मिस और लॉर्ड जू के चले जाने के बाद हमें चिंता थी कि क्या वे प्रतिशोध की कोई कार्रवाई करेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया यहां तक कि स्पिरिट वॉर्ड पैलेस भी बेहद शांत था अदिति ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है नौ मंदिर हमेशा एकजुट और एकजुट रहे थे बारह महलों से पूरी तरह से अलग जहां आंतरिक संघर्ष संघर्ष था नौ मंदिरों ने कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं की जिससे उनकी शक्ति हमेशा बारह मंदिरों से ऊपर बनी रही लेकिन इस अवधि में नौ मंदिर बहुत शांत हो गए थे यह भी कहा जा सकता है कि नौ मंदिर पिछले हजार वर्षों से असामान्य रूप से शांत थे जहां उन्होंने बारह महलों के विस्तार के प्रयासों के प्रति पूर्ण उपेक्षा का रवैया दिखाया था इतनी लंबी अवधि में ऐसा परिवर्तन स्पष्ट प्रतीत नहीं हुआ होगा लेकिन अगर कोई इसके बारे में ध्यान से सोचे तो उन्हें लगेगा कि नौ मंदिरों की विनम्रता डाँच सम्राट के गिरने के ठीक बाद शुरू हुई थी भले ही गुयिंग ने बिना अनुमति के बारह महलों के शिखर पर आने के लिए अपने लोगों का समूह लाया था या नहीं क्योंकि वह स्पिरिट वॉय पैलेस की शक्ति जुटाने में सक्षम था इससे यह भी साबित हुआ कि स्पिरिट वॉय पैलेस ने गुयिंग की पहचान को स्वीकार कर लिया था और गुयिंग गंभीर रूप से घायल हो गया था न केवल नौ मंदिरों से कोई हलचल नहीं हुई थी बल्कि स्वयं आत्मा शून्य मंदिर ने भी थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी यह अपने आप में बेहद असामान्य था अदिति को लगा कि नौ मंदिरों की प्रतिक्रिया की कमी महज संयोग नहीं है और उनके कुछ अन्य उद्देश्य भी होंगे कम से कम यह कहना अजीब है इस सब के दौरान नौ मंदिर बहुत विनम्र रहे हैं और यह उनकी शैली के समान नहीं है जैसा कि वे अतीत में थे ये मैंने अपनी भावों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा वे रात्रि शासन ने पूरे मध्य क्षेत्र को जीतने के लिए जून भुयाओं का अनुसरण किया था और उन्होंने पहले मध्य क्षेत्र की सभी प्रमुख शक्तियों का सामना किया था उस समय बारह महलों की ताकत उतनी महान नहीं थी जितनी हाल ही में वे कमांड कर रहे थे और नौ मंदिरों ने शासन किया था चारों पक्षों ने वर्तमान समय की तरह खुद को सांसारिक मामलों में शामिल नहीं किया और हालांकि यह कहा जा सकता है कि नौ मंदिरों की कार्य करने की शैली बारह महलों की तरह अहंकारी नहीं थी उन्होंने अपनी स्थिति पर बहुत कड़ी लगाम रखी मध्य क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति के रूप में बारह महलों को अनियंत्रित रूप से विस्तार करने की अनुमति देने का उल्लेख नहीं है भले ही वे लाइन से थोड़ा बाहर चले गए हों नौ मंदिर तुरंत उनमें कुछ समझ पैदा कर देंगे लेकिन इस अवधि के दौरान नौ मंदिर वास्तव में बहुत शांत हो गए थे इस तरह की शांति जिससे न केवल अन्य लोग उतनी सहजता से रहने में असमर्थ हो जाते थे इससे लोगों को घबराहट महसूस होती थी अदिति की आंखें सिकुड़ गई नौ मंदिरों के बारे में वह उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी लेकिन केवल वे बातें जो उसने ये मई और अन्य लोगों के मुंह से सुनी थी जबकि जूनभु याओं को नौ मंदिरों बारह महलों और इस तरह के बारे में कुछ भी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी उनका निरीक्षण करना जारी रखें और अपनी सावधानी न बरते अदिति ने कहा हाँ ये मई ने सिर हिलाया जैसे ही अदिति उनसे बात कर रही थी दरवाजे के पीछे से खटखटाने की आवाज आई और ये शाह तुरंत दरवाजा खोलने चली गई दरवाजा खोलने पर जब ये शाह ने बाहर खड़े व्यक्ति को देखा तो वह थोड़ा अचंभित हो गया मेरा कोई गलत इरादा नहीं है मैं बस उसे एक पल के लिए देखना चाहता हूँ एक सौ में महिला स्वर सुनाई दिया आवाज अदिति के कानों तक पहुंची और अदिति ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई ये शाह की विशाल आकृति ने दरवाजे के बाहर के व्यक्ति को पूरी तरह से रोक दिया लेकिन उस आवाज की आवाज उसके लिए बहुत परिचित थी ये शाह उसे अंदर आने दो अदिति ने कहा ये शाह थोड़ा झिझकी लेकिन फिर तेजी से आगे बढ़ी और उस व्यक्ति को अंदर जाने दिया सुंदर चेहरे वाली चावल की सफ़ेद पोशाक पहने एक युवा महिला दरवाजे के बाहर खड़ी थी उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर ढीले थे युवती की शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी लेकिन उसके चेहरे पर एक स्थिर शांति भी थी जो उसकी उम्र के व्यक्ति पर नहीं दिखनी चाहिए अदिति ने अपनी आंखों के सामने उस युवा महिला को देखा उसका दिल असामान्य रूप से शांत था आप वापस आ गए युवा महिला ने धीरे से कहा अदिति की ओर देखने वाली आंखें अत्यधिक विरोधाभासी लग रही थी आश्चर्य के निशान के साथ साथ थोड़ी कड़वाहट भी लेकिन ज्यादातर एक तरह की शांति से भरी हुई थी मम्मा अदिति ने हल्के से सिर हिलाया एक पल के लिए उन दोनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे की ओर देखा और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई फिर युवती का सिर थोड़ा नीचे झुक गया उसकी आंखें नीचे की ओर थी अदिति एक पल के लिए चुप रही फिर उसने अचानक पूछा तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है युवती ने अदिति की ओर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया इससे पहले कि वह धीरे से हल्की सी कड़वी मुस्कान प्रकट करती शायद मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए लेकिन मैं खुद से ऐसा नहीं करवा सकता गुश्चिनयान मैं तुम्हारे पिता की शक्ति और उनकी सेनाओं को नष्ट करने के लिए लोगों को लाया हूँ क्या इसके लिए तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होती अदिति ने धीरे से कहा अदिति के सामने खड़ी युवती कोई और नहीं बल्कि ब्लड फील्ड पैलेस की पूर्व युवा मालकिन गुश्शिनयान थी उस समय बारह महलों के शिखर सम्मेलन के दिन अदिति ने बारह महलों के सदस्यों का सफाया करने के लिए लोगों का नेतृत्व किया था जब यान ने गुयी को बचाने की कोशिश की तो अदिति ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसके कारण गुयिंग गुस्से में आ गई अदिति ने अंत में यान को बचा लिया था लेकिन चूंकि यान गंभीर रूप से घायल हो गई थी इसलिए अदिति के पास उसे स्पिरिट सेड पैलेस से ग्रैनी यू की देखभाल में सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जहां वह अपने लिए दवा छोड़ गई थी स्पिरिट वर्ल्ड की यात्रा पर निकलने से पहले वह घायल हो गई